Good morning, dear students. Today we are going to start our next topic and our next chapter, quality in education. कल हमने जो study किया था, वो हमने demonstration का training जो है वो discuss किया था कि demonstration क्या होती है और demonstration में क्या-क्या होता है. Next हमारा chapter है equality in education. यानी कि लोकतंत्र में समानता, ठीक है, इक्वल है सभी, वो कैसे है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर आर वेरियस की एलिमेंट्स इन ए डेमोक्रेसी. हमने पहले स्टडी किया है, पढ़ा है हमने फर्स्ट क्लास में कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में, ठीक है. दे इंक्लूड इक्वालिटी, जिसमें क्या क्या शामिल है, इक्वालिटी यानी कि समानता, बेटर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है डिसीजन लेना, ठीक है, तंत्र उसमें शामिल होता है, और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, उसमें शामिल होते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो भी निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें लोग भी शामिल होते हैं. गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू इट्स सिटीजन, जो सरकार है उसकी जो आप देख होती है वो उत्तरदायी होती है इसके प्रति टू इट्स सिटीजन, जो उस देश के नागरिक हैं उनके. अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, अकोमोडेशन व्यवस्था करना है, सॉरी, विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करना, इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, और जो मानवीय जो फ्रीडम है या फिर आज़ादी है, ठीक है, उसको इनहेंस करना, उसको बढ़ाना. दो ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी तत्व क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट इक्वालिटी इन द फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी ओनली इज द अदर पिलर लेस्ट, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मुख्य जो है तत्व है जिसके ऊपर सभी जो है पिलर्स यानी कि सभी स्तंभ जो है खड़े हुए होते हैं. बाकी जो स्तंभ है वो डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी है उसके ऊपर खड़े रहते हैं. क्यों होते हैं इक्वालिटी में वो लोग जो है इक्वालिटी के लिए होगी, कानून बराबर होगा, जो समानता होगी तभी कानून सबके लिए बराबर होगा. अगर हमें जाति का किसी तरह का भेदभाव होगा तो कानून भी उसी के अकॉर्डिंग हम एरिया कर लेंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम उसके अनुसार जो है डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम, ठीक है, विभिन्न तरह स्थान है जहाँ पर कॉम्बिनी बचाते जो सबको भी जब सभी को कहीं भी जाकर काम करने की आजादी है. इक्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं. इक्वालिटी इज द सेंट्रल थीम ऑफ ए डेमोक्रेसी, जो समानता है वो सेंट्रल थीम, एक केंद्रीय थीम होती है, लक्ष्य होता है, केंद्र होता है या आत्मा होती है किसकी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की. इट इज द प्री कंडीशन विच एंश्योर जस्टिस ऑल द पीपल ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री, ठीक है, प्रीकंडीशन यानी कि पहली व्यवस्था होती है जो, ठीक है, सबसे पहली व्यवस्था होती है जो क्या डिसाइड करेगी, जस्टिस फॉर द पीपल, सभी लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना, ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री, समाज के या एक देश के सभी लोगों के लिए समान रूप से न्याय की व्यवस्था कौन करेगा, इक्वालिटी करेगा. जब समानता होगी तभी सभी के लिए न्याय प्राप्त होगा. है एयर या फिर इक्वालिटी मीन्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, यानी कि नागरिकों के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, सामाजिक ये समाज के अंदर, ठीक है. दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, तीन तरह के
समानता है वो सिटीजन के नागरिक के अंदर जो आपस में होनी चाहिए, ऑल सिटीजन सारे लोगों के फॉर द ठीक है, सभी जो नागरिक हैं वो कानून की नजरों में बराबर है, सभी समान है। दे विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, वो कानून के द्वारा इक्वली यानी समान रूप से प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेस और वैल्यू। जो स्टेट है या राज्य है या देश है, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है, किसी की आलोचना करना, ठीक है, या उसको नीचा दिखाना, ठीक है, किसके आधार पर उनको अलग अलग नहीं कर सकता या उनके अंदर डिफरेंस भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ उसका जन्म हुआ है उसके आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, रिलीजन उसके धर्म के आधार पर, उसके सेक्स यानी कि लिंग के आधार पर, ठीक है, कास्ट जाति के आधार पर, क्रीड होता है धार्मिक आधार पर, धार्मिक पक्ष वगैरह जो रखते हैं उसके आधार पर कि कोई किसी धर्म में विश्वास रखता है कोई किसी धर्म में, तो उसके ऊपर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि ये तो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है या फिर ये मुस्लिम धर्म में विश्वास रखता है, उसके आधार पर उसको अलग नहीं कर सकते। रेस, रेस होती प्रजाति है, किसी भी प्रजाति से वो बिलोंग करता हो अगर वो नागरिक है, जैसे भारत का नागरिक है, उसको समान रूप से स्वतंत्रता भी है, आजादी भी है, कानून भी उसके लिए बराबर है। और वेल्थ, धन के आधार पर, देयर इन प्रीवियस चैप्टर, ठीक है, जो पहले का चैप्टर है उसमें इसके बारे में दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वालिटी क्या होता है, ये होता है सारा पब्लिक, यानी कि सभी जो भी व्यस्त हैं सबको मत का अधिकार, वोट का अधिकार होना चाहिए, एंड इक्वलिटी को समानता, इस तरह से संबंधित है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस दैट ऑल द एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, सारे व्यस्त मताधिकार का मतलब है कि जो भी व्यस्त है एडल्ट है उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए किसी भी देश में। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र का एक सबसे एसेंशियल सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, गुण है। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल एलिजिबल एडल्ट्स टू वोट, कोई भी सरकार जो है वो अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती यदि उस देश में जो है अडल्ट्स को या व्यस्त को वोट का अधिकार नहीं दिया, ठीक है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। नेक्स्ट पार्ट है, इन ए डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, लोकतंत्र के अंदर सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रिंसिपल यानी एक सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, ठीक है, अगर सभी को हम समानता देंगे तो सभी को वोट का अधिकार देंगे, और अगर सभी को वोट का अधिकार मिल गया तो सभी को कुछ ना कुछ तो समानता मिल गई, ठीक है, वोट का अधिकार मिल गया तो कुछ तो समानता हुई, यानी सभी को वोट का अधिकार दे दिया, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, या फिर अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो। इट ऑथराइज एवरी अडल्ट सिटीजन इन ए कंट्री टू कास्ट वंस वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज या हर एंड द कम्युनिटी ही सी बिलोंग, ठीक है, सभी व्यस्तों को यह अधिकार है कि वो अपना वोट जो है किसी को भी दे सकता है, गरीब अमीर, ठीक है, कम्युनिटी किसी से जो बिलोंग करता है किसी को भी जो है वोट का अधिकार है, ठीक है, वो वोट
डाल सकता है अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव पर जिसको मुझे जुड़ाना चाहता है, उसको बोलना वोटेड डन हो जाए। ठीक है, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे।